वीडियो बनाकर कमाने की शराब की इजाजत नहीं है। और यहाँ एक बात वाजे कर दूं, जो मेरा मुनाजरा और मेरे उस्ताद का मुनाजरा अभी दो चार दिन पहले हुआ है, शहजाद की नमर्जी वीडियो की थी और ना मैं आज उस वीडियो का कायल हूँ। मैं कल भी हराम समझता था, आज भी हराम समझता हूँ और मरते दम तक हराम समझूंगा। वो मेरी तरफ से नहीं था, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मजबूर किया गया था। डेढ़ साल से राबजी सुन्नियों को चैलेंज कर रहे थे, सिर्फ मुझे एक दिन पहले टिकट निकाल कर बुलाया गया और बुलाने के बाद ये सारी शर्तें उनकी तरफ से थी, कैमरा भी उनका था, इसी तरीके से ये होटल भी उनकी तरफ से मुतय्यन किया गया। तो मैं ना वीडियो को कल जायज मानता था ना आज मान रहा हूँ। और सीआईडी इंस्पेक्टर भी पीछे खड़ा था, जिन्होंने उस पर नजर की होगी वो देख रहे होंगे, पुलिस वाले भी मौजूद थे, सब कुछ उनकी कस्टडी में हुआ। इसलिए शहजाद के इस मसले को लेकर कोई मुझ पर एतराज न करे, वीडियो को कल भी हराम समझता था। जो बनवा रहा है वो उसका जिम्मेदार होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद के फतवे के खिलाफ ना कल किया है ना आज किया है और इंशाअल्लाह मरते तब तक अपने पीर के फतवे पे कायम रहूंगा। जिंदाबाद। समझ गया। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मौलाना तुम भी आ गए, हम ना कल आए थे ना आज आए हैं और इंशाअल्लाह आएंगे भी नहीं। और याद रखो मजहब व मसलक की बात है तो ये वीडियो का मसला सरकार ताजुश्शरिया के जमाने में इटारसी का मुनाजरा हुआ उसका वीडियो बना, इसी तरीके से दूसरे मकामात पर झारखंड में मुनाजरा हुआ उसका वीडियो बना। क्या सरकार ताजुश्शरिया ने उनको फांसी करार दिया? नहीं नहीं, वहाँ शर्त थी इस बात की गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कि तकरीर करना आसान है मुनाजरा करना दुश्वार है। तकरीर में कोई झगड़ा नहीं होता है, मुनाजरे में जानों का खतरा रहता है। यूं तो आदमी सोशल मीडिया पे बैठ के मुंह बचा लेता है लेकिन हमें मालूम है हमें वहाँ खतरा कितना था, हमें वहाँ कितनी तकलीफ थी और बाहर उन लोगों ने कितने लोगों को खड़ा किया था। ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारे बंदे मजबूत थे जिसकी वजह से सारे मसले आसानी के साथ निपट गए और अल्लाह का करम है। मैंने अपनी आंखों से कुरान ने कहा फपोहित नदी कफर, काफिर हक्का पक्का रह गया। ये कुरान की आयत का मंजर मैंने वहाँ मुनाजरागाह में देखा कि सामने वाले के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। उस वक्त हमें पूरा यकीन था कि हमारा मजहब भी अच्छा है, हमारा मसलक भी अच्छा है और हम उसी मसलक पर है जिसके लिए ताजुश्शरिया ने कहा मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए।